दोस्तों, मेरा नाम है अजय टकरिया, आपका हमारे YouTube चैनल टेक एंड रिव्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हम यहाँ पे Redmi Note 10s का जो है रिव्यू करने वाले हैं। आपने देखा होगा पिछला वाला वीडियो में जो है मैंने आपको कहा था कि Redmi Note 10s जो है 13 मई को रिलीज होगा, तो इसके ऊपर जो है आपको एक वीडियो प्रॉपरली देखने को मिलेगा। मैं जो है उसमें रिव्यू करूंगा मोबाइल का। फाइनली जो है आज 13 मई है और ये मोबाइल फोन जो है लॉन्च हो चुका है, तो आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप अगर नए हैं तो पहले से करके रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। मैं सिंपली आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता हूँ एमआई के, और वहीं पे जो है टोटल रिव्यू आज हम करने वाले हैं इस मोबाइल फोन का। तो ये देख सकते हैं, ये जो है हम आ चुके हैं। और ये रहा, देखिए सबसे पहले इसका जो कैमरा है ना भाई, बहुत ही गजब का। यहाँ पे जो है इसका जो बैक कैमरा है वो बहुत ही देखने में बहुत इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना मेरे को, मैं बता नहीं सकता। और साथ में जो है ये नॉच भाई, ये भी मेरे को गजब लग रहा है, क्योंकि ये जो है ये स्क्रीन को जो है अलग नहीं करता है, आपके बॉडी से जो है अलग नहीं करता। आपने वाटर ड्रॉप नॉच देखा होगा जो कि यहाँ पे जो है अलग वी शेप बना देता है और आपको जो है यहाँ पे डिस्प्ले को अलग कर देता है बॉडी से, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मोबाइल फोन में ये काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ नीचे में आपको थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे बेजल्स देखने को मिलेंगे जो कि मुझे पसंद नहीं है। बेजल्स नहीं होने चाहिए एक तरफ से देखा जाए तो। तीन कलर में जो है यहाँ पे दिखा रहा है, शेडो ब्लैक, फॉरेस्ट व्हाइट और डीप सी ब्लू। तो यहाँ पे मेरा जो फेवरेट कलर है वो है डीप सी ब्लू, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मेरा फेवरेट भी कलर है ब्लू। स्टोरेज और रैम की अगर मैं बात करूँ तो 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज और 6GB रैम प्लस 128GB वाला। मैंने आपको 8GB वाला भी उसमें बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि वो जो है रूमर है। मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि वो आए भी और हो सकता है कि वो ना भी आए, और हो सकता है कि आगे कुछ आने वाले टाइम में हो सकता है कि उसको लॉन्च करें, तो वो जो है अभी कन्फर्मेशन तो नहीं है। तो अभी जो है ये दो वेरियंट लॉन्च हुआ है, 6GB प्लस 64GB और 128GB वाला। LPDDR 4X का रोम है और साथ में UFS 2.2, मतलब कि काफी लेटेस्ट है और काफी अच्छा रैम क्वालिटी जो है इसमें देखने को मिलेगा। और 6.43 इंच का एक AMOLED डॉट डिस्प्ले है, मतलब कि काफी ज्यादा अच्छा है। और रेजुलेशन की बात करूं तो आपको जो है इसमें फुल HD प्लस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। PPI मतलब कि पिक्सल पर इंच आपका जो स्क्रीन का क्वालिटी है वो कैसा होता है, तो इसमें काफी इम्प्रेसिव और काफी ज्यादा अच्छा दिया गया है, 409। भाई बहुत कम ही मोबाइल फोन होते हैं जो कि 409 तक PPI देते हैं, तो इस मोबाइल फोन ने दिया तो काफी अच्छी बात है। और बाकी जो है यहाँ पे रीडिंग मोड काफी ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रीडिंग मोड जो है ऑन नहीं करते, अपना मोबाइल फोन चालू करते हैं और देर तक जो है देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, न्यूज वगैरह, तो आंखों से जो है पानी आने लगता है या आंख दर्द करने लगता है, तो वो चीज आपको इसमें नहीं होने वाला है। इसका काफी अच्छी तरीके से जो है रीडिंग मोड 3.0 दिया गया है, बाकी मोबाइल फोन में आपको 2.0 देखने को मिलता है। और सनलाइट की बात करूं तो वो भी जो है इसमें 2.0 दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और लो ब्लू लाइट सर्टिफाइड के साथ आता है SGS, मतलब कि आपका आंखों का काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है इस मोबाइल फोन में। प्रोसेसर की बात करूं तो आपको जो है मीडियाटेक हीलियो का G95 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो है CPU फ्रीक्वेंसी जो है इसमें 2.05 GHz दिया गया है। GPU की बात करूं तो ARM माली G76MC4 जो है इसमें देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप गेमिंग से, अभी तो जो है पबजी भाई लॉन्च होने वाला है ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है, तो आपके लिए मोबाइल फोन काफी ज्यादा परफेक्ट है। अब इसका सेल कब चालू होता है वो अभी पता नहीं है मुझे, इसके बारे में रिसर्च करूंगा तो शायद पता चल जाए, या डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिख दूंगा, ठीक है, तो आप जाके पता कर लेना। तो ये काफी अच्छी बात है, प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छा है गेमिंग सेमिंग करने के लिए, बहुत ही बेस्ट ये प्रोसेसर होता है। मैंने यूज किया है ये प्रोसेसर और काफी फ्रिक्वेंटली जो है आप गेमिंग सेमिंग कर सकते हो। बैटरी की बात करूं तो 5000 mAh की बैटरी है और 33 volt का जो है फास्ट चार्जर है, तो भाई ये मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा, क्योंकि भाई 33 volt का फास्ट चार्जर और मतलब कि 5000 mAh की बैटरी, मतलब कि चार्ज करने का भी टेंशन नहीं और चार्ज होने का भी टेंशन नहीं और चार्ज खत्म होने का भी टेंशन नहीं, तो बहुत ही अच्छा है। और साथ में बात करूं तो यहाँ पे 64MP का आपको एक वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, काफी अच्छा है। और जो सेकंड है वो भी 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल ही कैमरा है, और बाकी जो दो कैमरा होता है वो सबको पता है यार, एक मैक्रो और एक डेप्थ सेंसर होता है, तो ये जो है कोई ऐसी बात नहीं है। रियर कैमरे की बात करूं तो रियर कैमरे में जो है आपको यहाँ पे 64MP वाला मिलता है, नाइट मोड वगैरह, AI ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट वगैरह, ये सारा चीज तो मिलता ही है, ठीक है। साथ में स्लो मोशन, लैप्स वीडियो, ये सब जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हो।
हाँ इसमें एक चीज काफी ज्यादा अच्छा दिया है कि आप 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS में, फुल HD में भी जो है आप 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 13 MP का आपको इसमें फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छा है। इसमें भी जो है आप टाइम ब्रस्ट और AI हर एक चीज देता ही है, टाइम लैप्स वीडियो, ये मुझे काफी अच्छा लगता है। मेरे मोबाइल में जो है टाइम लैप्स का सेटिंग नहीं है तो इस मोबाइल फोन में दिया गया तो काफी ज्यादा अच्छा है। फ्रंट कैमरे में जो है आप फुल HD वगैरह में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे देखिए साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और फेस अनलॉक आपको देखने को मिलेगा, तो सही है। अब देखने वाली बात है कि कितना स्पीड होता है वो तो अभी पता नहीं चलेगा और वगैरह। यहाँ पे ये जो है भाई गजब का दिया गया, यहाँ पे सेंजा ब्रांच चाइना से भाई आया है तो ये काफी अच्छा है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है सुनने में कि भाई ये चाइना, यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ होता तो काफी ज्यादा अच्छा लगता। तो भाई क्रिएटर बनो यार, क्रिएटर बनने के बाद ही जो है ये सारे चीज हो सकते हैं। अब बहुत सारे के मन में जो है एक ख्याल जरूर आ रहा होगा, क्या ये जो है 5G फोन है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा नो, दिस इज नॉट 5G फोन। ये जो है एक 4G फोन है और 4G फोन है क्योंकि अभी जो है इंडिया में लॉन्च होने को जो है काफी ज्यादा टाइम है और काफी टाइम लगेगा अभी 5G को आने में, लगभग नहीं तो यहाँ पे 1 से 1.5 साल जो है इसीलिए लग जाएगा भाई। टेस्टिंग हुआ, उसके बाद जो है ऑक्शन होगा, ऑक्शन होने के बाद सब कुछ बिल्ड होगा, मतलब कि काफी टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए जो है कंपनी पहले से ही पता कर लेती है कि आखिर कब क्या रिलीज होने वाला है, उसके बाद ही जो है यहाँ पे 4G के बाद 4G फोन ही निकल रहे हैं, ठीक है। नेविगेशन के लिए जो है GPU, ग्लोनास, बाइडू ये सब तो होते ही है। ऑडियो के लिए काफी अच्छा मोबाइल फोन हो सकता है, डुअल स्पीकर सिस्टम इसमें दिया गया है, 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको देखने को मिलेगा, हाई रेजुलेशन सर्टिफिकेशन के साथ आता है। एक बात आपको बता दो भाई, MI का जो ईयरफोन होता है इसके ऊपर भी मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया है, आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जरूर देखना उस वीडियो को। वो ईयरफोन इतना ज्यादा अच्छा है, वो भी हाई रेजुलेशन का ही है और मोबाइल भी हाई रेजुलेशन का है, तो मतलब कि आपको जो बेस सुनने को मिलेगा ना बहुत ही क्वालिटी का बेस होता है, ठीक है। तो आप जाके जरूर देखना। सेंसर जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक कंपास और लाइनर, वाइब्रेशन मोटर, AI ब्लास्टर, ये सारे आपको देखने को मिलेगा। और लेटेस्ट आपको जो है इसमें MIUI 12.5 देखने को मिलेगा बेस ऑन एंड्रॉइड 11, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम और USB केबल, टाइप सी केबल दिया गया है, सिम इंजेक्ट प्रोटेक्ट केस दिया गया है, क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी तो आपको पता ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मोबाइल काफी ज्यादा अच्छा है। प्राइस भाई, प्राइस क्या है, प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हाँ, मैंने आपको कहा था कि इसका जो है जो सेल डेट है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेल डेट जो है पता चल गया है, मैं आपको जो है यहाँ पे बता देता हूँ। इसका जो सेल चालू होने वाला है, अरे भाई आ जा यार, कहाँ चला गया, शायद मुझे बैग जाना पड़ेगा, बैग जाने के बाद शायद मुझे पता चले। हाँ यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये मेरा स्किन, ये थोड़ा कपड़ा से साफ कर लेता हूँ यार, ये कुछ हाथ में कुछ लग जाता है ना तो ये बराबर जो है काम नहीं करता है मेरा, ये की पेड, ठीक है। तो ये 12 बजे जो है चालू होने वाला है, 12 बजे जो चालू होगा 18 मई को जो है इसका सेल जो है आपको चालू होते हुए दिखेगा। अब ये फ्लिपकार्ट पे शायद चालू हो या MI.com पे, इसका जो है कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन MI पे भी आपको इजीली मिल जाएगा ये मोबाइल फोन। MI पे नहीं तो आपको बताइए, MI, Amazon या तो फिर इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ये तो सबको पता है कि इस जगह पे मिलना ही है, ठीक है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें दो वेरियंट देखने को मिलेगा, जो 128 GB वाला वेरियंट है 16,000 रुपये का ये मोबाइल फोन है, और जो सेकेंड वेरियंट है 64 GB वाला वो 15,000 वाला वेरियंट है। तो 1,000 रुपये ज्यादा लगा लो यार, और साथ में जो है 128 GB वाला वेरियंट ले लो, काफी अच्छा है और मोबाइल फोन देखने में भी जो है काफी ग्रेट लग रहा है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और वीडियो पसंद आता तो लाइक से जरूर करना, और भी ऐसे अगर वीडियोस देखना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये था आज का रिव्यू वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गुड लक।